संगत टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वेले इंग्लैंड दे विच सवेर दे 8 बजे ने ते साडे जिहड़े दर्शक है चाह पी रहे होणगे, चाह दीआं चुस्कियां लै रहे होणगे। ते अज दे शो दे विच मेरे नाल प्रोफेसर खुशहाल सिंह ने, उन्हां नाल हाँ जी उन्हां नाल वख वख मुद्दिआं दे उपर गल करांगे, पर अज दा मुख मुद्दा जिहड़ा मेन जिहड़ी गल है उह भाई तारू सिंह जिन्हां ने अपना सीस जिहड़ा लुआता सीगा, जिन्हां दी खोपड़ी जिहड़ी लाई गई सीगी, ते सिख जगत दे अंदर मतलब उन्हां नूं बहुत वड्डा शहीद मन्निया जांदा है। वैसे तां सिख पंथ जिहड़ा कुरबानियां करन वाला इहदे विच बहुत वड्डे पद्धर ते कुरबानियां होईयां, ते इस करके जिहड़ा है इहनां दा नां जिहड़ा जिहड़ी अरदास रोज़ असीं करदे हां उहदे विच आउंदा है। ते उन्हां दी जिहड़ी कुरबानी आ लसानी कुरबानी आ जिहनूं दुनिया भर दे विच किते पंजाबी होण सिख होण उहनूं याद करदे आ, ते उस इतिहास दे बारे असीं चर्चा करांगे। साडे नाल प्रोफेसर साहब ने, प्रोफेसर साहब तुसीं इहनां दी शहादत बारे साडे दर्शकां नूं जाणू कराओ, ते अज दे प्रसंग दे विच उहनां दी शहादत दी की अहमियत है। उस दौर दे विच जदों सिखां दे उप्पर बहुत जुल्म होणे शुरू हो गए सी, सिखां ने जंगलां दे विच रहना शुरू कर दिता सीगा, ते उन्हां नूं रोटी पानी छकाउण वाला भी कोई नहीं सीगा, ते उस समय भाई तारू सिंह ने जिहड़ा उन्हां दे परिवार ने जिहड़ा उन्हां नूं लंगर छकाउंदे हुंदे सी, उन्हां दी सेवा करदे सी, इसे करके उन्हां नूं एड्डी वड्डी सज़ा दा भागी बनना पिया। ते इहदे बारे साडे दर्शकां नूं तुसीं दसो। सब तो पहले जम्मू साहब जी, असीं उह शहीदां नूं वार वार प्रणाम करदे हैं जिन्हां शहीदां दी बदौलत पंजाब है जिहड़ा इस इतिहास के दौर दे विच एक सुनहरी इतिहास जिहड़ा आ सिरज सकिया आ। ते इह जिहड़ा दौर है जी तारू सिंह जी दा, जिन्हां दा जन्म पाकिस्तान दे पिंड पूला दे विच जिहड़ा आ होया सीगा, ते परिवार है जिहड़ा इह वी गुरू घर नाल पहले ही जुड़िया होया सीगा। इहनां दे माता पिता सारा गुरू दे घर दे नाल उहनां दे बहुत नेड़े दे संबंध सन। ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਕਾਉਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो स्टेट का हमेशा जिहड़ा सुभा आ वह बदलता नहीं हुंदा, स्टेट सेम ही हुंदी आ, वह भावें समय के हिसाब नाल उहदे थोड़े बहुते बाहरी तौर पर चेंज आउंदियां, पर सोच उहनां दी उही हुंदी आ। जिहड़ा भी जिहड़ा धिर है, जिहड़ा भी पंथ है, जिहड़े भी लोग उहनां दे स्टेट वास्ते किसे किस्म दा थ्रैट खड़ा करदे आ, ते उहदे वास्ते उह लोकां नूं, क्योंकि जिन्ने डरपोक होंदे आ बंदे उन्ना ही ज़्यादा वह जुल्म करते हैं, उन्ना अपने आप को एक यकीन दवाने वास्ते वो जिहड़े आ जबरदस्त है जिहड़ा वह चुनते हैं। इस तो पहला ये होया कि जिहड़ा पिछोकड़ विच है इहदे कि बंदा सिंह बहादुर है जिहड़ा वह एक लम्मा जिहड़ा मुगल राज है उहनू खत्म करके पंजाब दे विच एक समय भावें थोड़ा समय सीगा, ते उस समय दे विच जिहड़ा राज स्थापित कर लिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੋੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ,
जिहदा फलस्वरूप है जिहड़ा वह साडे सामने बंदा बहादुर सिंह बहादुर का खालसा राज आउंदा आ, उहने पहली वारी जिहड़ा एड्डी वड्डी स्टेट नूं हार दित्ती, भाज दित्ती चप्पड़चिड़ी दे मैदान दे विच। उस तों पहलां वी वड्डियां स्टेटां तोड़ियां समाणा सीगी जां होर जिहड़े वड्डे वड्डे शहर सी जिहड़े एक प्रतीक समझे जांदे सी मुगल स्टेट दे विच, उहनां नूं नादा मलिया मेट कीता। तो दूसरे पास जोड़ा आ जो एडा वड्डा हो चुका है, कांड हो चुका है, तो सरकार ने भी फिर अपना वह प्रतिक्रम है उमें ही दिता। जो बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद जे पहला सिखा के दो धड़े से, एक बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने बंदई इतिहास कहा जाता है, एक तत् खालसा, तो दोनों ही स्टेट ने खत्म किया समा पा के। ते उस तो बाद जदों जकरिया खान का समा, मेरे ख्याल भाई मनी सिंह ने दोनों दे विच मेरे ख्याल एकता भी करवाई सी। हाँ जी हाँ जी, वो उन्हां दा भी एक जिहड़ा असीं पिछले समय पिछले दिनों च मना चुके हैं, तो उन्हां दा वड्डा रोल सी पंथ दे विच एकता कराउण दे विच। उन्होंने एक जिहड़ा नवा पंथ दे विच एक संस्था सीगी सरबत खालसा, उन्हूं जिहड़ा उजागर करन दे विच लैके सामने लैके आउण दे विच वड्डी भूमिका निभाई सीगी। सो जिहड़ा तारू सिंह दा साडा अज दा मेन मुद्दा हैगा आ, तारू सिंह दी शहीदी दा कारण बणदा है क्योंकि वह सीधा जिहड़ा आ कोई हथियारबंद संघर्ष विच शामिल नहीं हैगा, सेवा वाले उहदे सीगा। ते जिहड़ा सिख दा धर्म है वह उहदे लई जरूरी है उहदा कि वह आए गए जिहड़ा सिख ने उन्हां दी सेवा करनी है, उह तों मनुक्कर नहीं हो सकदा। लोड़वंद हरेक व्यक्ति दी, सिख दी तां करनी करनी है, हरेक व्यक्ति दी करनी आ उहने। ते सिखां दे विच तां इह मुहावरा बड़ा प्रचलित सी, आ गए निहंग बूहा खोल दो नसंग। तो जिहड़े लोग एक धर्म युद्ध लड़ रहे सीगे, जिन्हां दा एडा वड्डा पवित्र जिहड़ा मंतव सीगा उहदे वास्ते स्टेट दे खिलाफ लड़ रहे सीगे, तो उन्हां दे नूं जिहड़ा सेवा पाणी आ जां लंगर पाणी दी सेवा जां उहनां दी आओ भगत इह ना करदा सिख इह ते पॉसीबल नहीं सीगा। पर सानू एक गल समझ लैनी चाहिए है कि एक होर धड़ा है जिहड़ा आ उदों एक सरगर्म हो चुका सी, वह कहनू सिखां दे विचों ही सीगा, जिन्हां दा हंदालियां दा सीगा जंडियालीए वाला, इह एक बहुत वड्डा ग्रुप बन चुका सी जिहड़ा स्टेट दा प्रो सीगा, जिन्हों मुगल स्टेट वरतदी सीगी, राजे वरतदे सीगे, ते उह जिहड़ा आ उह सिखां दी इनफॉर्मेशन दिंदा सीगा स्टेट नूं, क्योंकि सिख जदों पावर च आए सिखां ने उहदे प्रतिक्रम भी किया, बदला लैन की भी कोशिश की। जिहड़े अज भी जिस तरह जो गदारा नाल जां जिहड़े टाउट हुंदे आ जो उहनां नाल रवैया हुंदा है क्रांतिकारी लोगों का इनकलाबी लोगों का, उही मतलब जिहड़ा वर्तारा आ उस समय भी सामने आउंदा है। पर कुछ गल्लां तां सिख पंथ दीआं जिहड़ियां ना कमाल दीआं ने, जिवें भाई कन्हैया दा मतलब उन्हां नूं सारिआं नूं ही पाणी पिआउणा। हाँ, उह सिधांत तौर ते जिहड़ा सरबत दा भला हैगा आ जां मनुख मनुखता दे विच मानस की जास बै के पहचानो, सिखा दा परमानेंट कोई दुश्मन नहीं हैगा, परंतु जिहड़ा उहना धर्म युद्ध लड़ना हैगा आ जिथे जिथे उहदा उहनां दी ड्यूटी धर्म युद्ध दे विच हैगी आ, उत्थे भी उहनां ने पूरा इस तरह जे धर्म युद्ध जो लग्या हैगा उत्थे उहदा बहाना बना के कोई कैरता नहीं सिख दिखा सकदे। उह जदों लड़ाई दे मैदान विच जिहड़ा उहनां दा फर्ज बणदा आ उह निभाउंदे रहे। सो उहदे जिहड़ा तारू सिंह जी दे उत्ते वड्डा ब्लेम लगदा हैगा आ उह सी स्टेट दा कि तू तुसी बागी सिखां नूं जिहड़े आ उहनां दी स्टेट दीआं नज़रां विच बागी सीगे, उहनां नूं उहनां सिखां दी उह जिहड़ा आ उह टहल पाणी करदा सी, सेवा करदा सीगा। तो इहदा जकरिया खान ने एक लम्मा दौर सख्ती दा जिहड़ा सिख समाज उत्ते चलाया होया सीगा। असीं जिन्ना मन्नू मीर दे समें दी गल करदे आ सारा उह स्टेट है, तो इस वे पै इस करके भी स्टेट नूं कि दूसरे पासे एक पठान जिहड़ी पावर सीगी उहनां ने अटैक करके मुगलां दा जिहड़ा वह पंचम झुलदा सीगा उहदे विच वड्डे डेंट पा दित्ते सीगे, तो दरमियान ही भार दे दूसरे हिस्से विच मराठे पावर च आ रहे सीगे। इधर जिहड़ा आ सिख जिहड़े आ उह सरगर्मियां अपनियां कर रहे सी जिहदी असीं गल पहलां वी कर रहे हां, तो स्टेट नूं लगता सीगा क्योंकि जिहड़ा जिन्ने भी ये जदों हमले हुंदे सीगे जिहड़े हमलावर आउंदे सी उहनां दे नाल कुछ विद्वान लोग भी आउंदे सी जिहड़े उहनां दे रोजनामचे लिखदे सीगे। इसे तरह जदों पहले दे विच नादर शाह इत्थे आउंदा हैगा, नादर शाह दा पहला जदों हमला आउंदा आ तां नादर शाह
दिल्ली के उत्ते अटैक करता है, उस सामने खाली मैदान पिया आ, उन्हूं चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। तो की होया जो दिल्ली से अटैक किया तो अफवाहों का जमाना से, अफवाह बहुत फैल दिया होंगे सी, अफवाह फैल गई कि नादर शाह का किसी ने कतल कर दिता है। ये प्रोफेसर अफवाहों का तो जिन्ना अज छेती तेजी जिनी छे तेजी ना अज फैल दी, मेरा तो नहीं ख्याल उस दौर नहीं उस समय भी फैल दी सी, अज काउंटर की जाती उदो काउंटर करने का भी कोई साधन नहीं सी। सो उस समय एक मिनट कर, हेलो हाँ जी जम्मू साहब तुहानू डॉक्टर साहब नू तुहाडे स्टाफ नू तुहाडे दर्शकां नू गुरदेव सिंह भोगल वालों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी भोगल साहब की हाल चाल है? बिल्कुल चढ़दी कला जी, दुआवां ने तुहाडियां चाह पी जिवें तुसीं दस्सिया ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਧਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਚਿੱਟਿਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੰਡਰ ਚਿੱਤਰ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਲਓ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਖਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਜੀ ਠੀਕ, ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਖਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰੋ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭੇਟ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭੇਟ ਹੋਵੇ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭੇਟ ਹੋਵੇ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ, ਓਏ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਬਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲੀ ਰੱਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲੀ ਰੱਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲੀ ਰੱਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰੋ ਤਾਂਹੀਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ।
जम्मू साहब आखिरी बंद बोल के तुहानू तो खिमा ठीक है जी लिखा भाई याद आन ते याद विच डुब जाना है। हाँ जी याद आन ते याद विच डुब जाना है जम्मू साहब क्यों। हाँ जी याद आन ते याद विच डुब जाना है ना तारू सिंह ते तारू भी डूंगे पानिया दा ए वार्तालाप नहीं किसे इतिहास विच सगो इतिहास है सच्चियां कहानियां दा। ठीक याद आन ते याद विच डुब जाना है ना तारू सिंह ते तारू भी डूंगे पानिया दा ए वार्तालाप नहीं किसे इतिहास विचों सगो इतिहास है सच्चियां कहानियां दा भई तारू सिंह किते मिले ता तेरे चरण चुमला। हाँ जी तारू सिंह किते मिले ता तेरे चरण चुमला तेरे संस्कार किसे साधु दरवेश ने और तेरे विश्वास तो जाए बलिहार भोगल जेड़ा कहना रहा केस मेरे नहीं केस मेरे दशमेश दे ने तेरे विश्वास तो जाए बलिहार भोगल जेड़ा कहना रहा केस मेरे नहीं केस मेरे दशमेश दे ने ओए जलादा केस मेरे नहीं ए मेरे दशमेश दे ने जेड़ा कहना रहा केस मेरे नहीं केस मेरे दशमेश दे ने आज उन्होंने कोट कोट प्रणाम है उन्होंने विश्वास प्रणाम आप जम्मू साहब इन भुला चुका लिखा इन्नी हाजरी ला लियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी प्रेस साहब। हाँ जी जम्मू साहब जी गल कर रहे थे जो अफवाह फैल गई उ। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्रीकाल जमी साहब तुम डाई साहब नाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। बलहार सिंह रंधावा बोल रंधावा साहब। हाँ जी मेहरबानी भगत साहब उन्होंने कलाम सुने आनंद आया शहीद भाई तारू सिंह जी प्रणाम तो बाद जेड़ा तुम अज मुद्दा छोया पहला डाक्टर साहब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर साहब ने वे कुछ गल् कर महाकाव्य लिखा बंदा सिंह बहादुर से मर्द गुरु का चेला बंदा सिंह बहादुर ने 1710 विच मार्च के महीने जो ना पंजाब का मालिया लैके दिल्ली के हुक्मरान का दस्ता फौज का जा रहा है तो धूणा पिंड मार्च के महीने वह जरा मालिया से खोह के उन्होंने उत्थे नेजा गड के गया तो अज तो बाद इस देश का मालिया दिल्ली नहीं जाएगा। उस दिन पंजाब ने डिफाइन किया बंदा सिंह ने इस देश का मालिया दिल्ली नहीं जाऊगा हूँ पंजाब की होन हस्ती आ उत्थे नेजा कटिया गया उदू बाद सरहिंद जितया उत्थे जाके अपना सिक्का चलाया गुरुआ के नाँ से थोड़ा रहा बंदा सिंह का 1728 तक बड़ी ही दुशवारी भरिया एक दौर आया जिसे कह लो तो सिख खिलरे पतरे शहीदियां बहुत हुई 1739 नादर शाह ने हमला किया हिंदुस्तान से तो जब वापस जा रहा इस खिते टाकरा दे के सिंघा ने उन्हों बहू बेटिया छुड़ा के तो नादर शाह पुछदा यह कौन आनू दसाया गया यह कौन आ तो उस समकाली लेखक निजावत लिखता नादर शाह की वार के पातशाही इन्हों का दावा रेंदे वांग फकीर अपना देश पंजाब इन्हों का बाकी मलकदगीर यह दावा जोड़ा पातशाही दावा मिसलों के दौर तक 1739 तक 99 तक चलता रहा तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस दावे में स्वीकार करके इस देश उत्ते एक बड़ा महान राज स्थापित किया। मेरा कहन तो भाग आ इन्हें प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने गांह लिखा पंजाब की रागर के नाते इसे मोहम्मद इकबाल ने कहा फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को खादे काम से यो जी कोई पंजाब का दावा जोड़ा यो पंजाब में अपने वक्रे राज का वक्रे देश का दावा जोड़ा है किसी भी सूरत किया जाए ये किसी पाग नहीं पाता इसे करके वार के इनकलाब उठता इतों जलम के जावर के सामने उठ के खड़ा की शक्ति है यह गुरुओं दिखती है नरसिंह गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिखती है यो कारण है जम्मू साहब वार बार लियाने पंजाब नाल ही क्यों चंगिया लिया जा रही क्यों पंजाब किसे बर्बाद करते कौन आदमी या मनुख जरा आप शरीर के एक अंग नकारा करना चाहता अपने एक सो ये मैं सर ते गल जोड़ी ना बाकी गलत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
हाँ जी जी असं गल कर रहे अफवाह फैलन तो बाद हाँ के हेलो 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 हाँ जी सत श्रीकाल जी जीपाल सिंह बोल रहा जी हाँ जी हाँ जी की हाल चाल है जी तेरा कला जी चढ़ती कला जी। हाँ जी अच्छा जी मैं क्वेश्चन मेरा ये सीगा हाँ जी चलो आज प्रणाम जी चांद हाँ जी बेरी जदों अपने डेरे वाले जा पिया नु कोई भी श्रोमणी कमेटी सेवा दिंदी है की देख के दिंदी है दूजा क्वेश्चन ए मैं क्वेश्चन करने दूसरा क्वेश्चन ए कांग्रेस इन गेड़े मतलब के बॉर्डर मोर्चे ते नहीं मारे रिसेंटली जिन्हें इन्होंने सोनिया के दरबार में मार दिते मेरा लगता भी कोई फल मिलेगा ठीक 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 है जी धन्यवाद जी हाँ जी तुम प्रेस साहब अपनी गल कर हाँ जी असं नादर शाह की गल कर रहे थे तो उस तो बाद नादर शाह ने गुस्से एक मिनट करनी उस तो बाद फिर ब्रेक लैनी असं उस तो बाद फिर हाँ जी तो उस तो बाद साढ़े इतने कहावत प्रसिद्ध हो गई कि नादरशाही फैल गई उन्हें इन्ना कतलेआम किया सो उस कतलेआम तो बाद जेड़ा आ वो जदों वापस जा रहा सीगा ते वापस जांदिया जो आउंदिया जो सतलुज के कंढे जां रावी के कंढे सिखां नाल उहदा टाकरा होया ते उस टाकरे तो बाद उहदा जेड़ा नाल दा सीगा काजी नूर मुहम्मद ने जो उहदा उन्हां बारे दस्तान लिखियां हैगियां ने उन्हां दा आपां चलो अगे जिक्र करना हैगा वीरवे नाल कि उहदे चों कई किस्म दी सानूं इनफॉर्मेशन मिलदी है इतिहास दी क्योंकि जदों साडे सिख लिखदे आ जां कोई साडे बंदे लिखदे आ उदों कुछ होर गल हुंदी आ क्योंकि वह अपने नाल कर देंदे आ जदों बाहर दुश्मन लिखदा हैगा तुहाडी गल जिहड़ा तुहाडे नाल लड़न आया सी जिहड़ा तुहाडे नाल तुहानूं खत्म करन दे इरादे नाल आया सीगा जदों उहनां दी दे विचों इनफॉर्मेशन मिलदी आ उहनां दे विचों सानूं संकेत मिलदे आ ते उहनां दी इनफॉर्मेशन भी जिहड़ी आ इतिहास नूं कई बार बहुत अमीर करती हैगी है इस पक्षों असी करांगे जिस तरह उन्होंने सिखां दे करैक्टर का किरदार का जिहड़ा जिक्र किया हैगा आ जिन्हों साडे इतिहासकारां ने भी जिहड़ा अपने ग्रंथां दे विच कलमबंद किया हैगा सो उह असी एक खास रखदा हैगा आ दूजी गल है कि भाई साहब इत्थे आपां लैने ब्रेक ब्रेक तो बाद फिर मिलदे हां।